उट है उसी हवाले से इसको लिखा गया है, जो लेटेस्ट कर अटैक किया है इसराइल पर और इसराइल की तरफ से जो रिएक्शन दिया गया है उसी हवाले से हमें कुछ डिटेल्स मिलेंगी कुछ हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव भी मिलेंगे लेकिन हम इसको स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ डिफिकल्ट टर्म्स है उसको देख लेते हैं जी तो हमारे पास सबसे पहली जो टर्म आती है वो है ओस्लो अकॉर्ड ओस्लो अकॉर्ड जो है वो रेफर करता है सेट ऑफ एग्रीमेंट को एक ऐसा सेट ऑफ एग्रीमेंट था जो कि इसराइल और फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ के दरियान साइन हुआ था 1990 में और इसका जो मकसद था वो यही था कि इस्टेब्लिश किया जाए एक फ्रेमवर्क जो कि इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करवाए आगे नेक्स्ट आपके पास आता है टू स्टेट सोल्यूशन टू स्टेट सोल्यूशन भी एक प्रोपोज सोल्यूशन था इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करवाने के लिए जिसका मकसद भी यही था कि स्टेब्लिशमेंट हो जाए दो सेपरेट स्टेट्स की जो कि यानी कि इसराइल और फलस्तीन के नाम से एग्जिस्ट करें और ये को एग्जिस्ट करें साइड बाई साइड थर्ड नंबर पर आपके पास आता है पर्ल हार्बर ठीक है पर्ल हार्बर जो है वो रेफर करता है एक एक सरप्राइज सरप्राइज मिलिट्री मिलिट्री अटैक अटैक को ठीक है ये एक था जो कि जापानीज की तरफ से हुआ यूएस के ऊपर ठीक है नेवल बेस था जो कि पर्ल हार्बर में हुआ हवाई में नाइनटीन फोर्टी वन में ठीक है यूएस पर और यूएस इसकी वजह से जो है यूएस की इन्वॉल्वमेंट हो गई थी वर्ल्ड वॉर Second के अंदर जंगे अजीम कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क पर हुआ पेंटागन इन वाशिंगटन डीसी में ठीक है जो कि जिसका मतलब हम कहते हैं कि इल्जाम जो है वो अलकायदा पर है ठीक है सिग्निफिकेंट इम्पेक्ट पड़े इसके यूएस की फॉरन पॉलिसी पर और पूरी दुनिया पर नेक्स्ट हम हमारे पास आती है डिसप्रोपोर्शनेट की डिसप्रोपोर्शनेट कहते हैं गैर मतनासिब को ठीक है जिसमें अनबैलेंस uh, किस्म की सिचुएशन हो ठीक है उसे हम डिसप्रोपोर्शनेट कहते हैं नेक्स्ट पे आता है हमारे पास रेडिकलिज्म और एक्सट्रीमिज्म रेडिकलिज्म और एक्सट्रीमिज्म क्या है ये बेसिकली रिलीजियस uh, या पॉलिटिकल एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं कुछ ऐसे बिलीव हो सकते हैं कुछ ऐसे एक्शंस हो सकते हैं जो रिजेक्ट करते हैं एस्टैब्लिश नॉर्म्स को और ये इन्वॉल्व होते हैं पूरे के पूरे वायलेंस में ठीक है तशद इसके अंदर शामिल होता है यूनिपोलर मूवमेंट यहाँ पर कह रहे हैं यूनिपोलैरिटी आपको पता ही है एक सुपर पावर का हो जाना एक सुपर पावर का बन जाना जैसे कि आप देखते आ रहे हैं कि यूएस की डोमिनेंसी जो है वो दुनिया पर कायम थी तो वो यूनिपोलर मोमेंट में आ जाएगा सीज आता है सेज कहते हैं मुहासरे को यानी कि मिलिट्री ब्लॉकेज हो जाना या फिर चारों तरफ से हर तरफ से के जो है वो घेरे में ले लेना अ, किसी एरिया को किसी छोटे एरिया को और उनका एम यही हो कि उसको आइसोलेट कर दें उसको तनहा कर दें उसके ऊपर पूरा कंट्रोल ले लें नेक्स्ट हमारे पास आता है डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी आपको पता ही है कि दो ऑर्गेनाइजेशन या दो कंट्रीज के दरमियान जो नेगोसिएशन करवाई जाती है जो जो मुजाकर मुजाक के जरिए उस चीज को हल करवाने की कोशिश की जाती है तो उसको हम डिप्लोमेसी का नाम देते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट क्या होता है ये ऐसा थ्रेट होता है जो करता है एक डायरेक्ट या सिग्निफिकेंट रिस्क को ठीक है जो कि किसी की किसी नेशन की या किसी स्पेसिफिक ग्रुप की सर्वाइवल के लिए एग्जिस्टेंस के लिए खतरा हो तो उसे हम एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है hostages. Hostages कहते हैं यरगमाल बनाने को ठीक है यगमाल अब कैदियों को बनाया जाता है ठीक है कोई भी एक स्टेट दूसरे स्टेट के ए, लोगों को जो है यमाल बना लेती है उसे हॉस्टेजेस कहा जाता है फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को कहते हैं यानी गलत मालूम को फैलाना मल्टी डिप्लोमेसी मल्टी डिप्लोमेसी से मुराद ये है कि मल्टी जो कंट्रीज हैं या पार्टीज हैं वो इन्वॉल्व हो किसी कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल इशू के अंदर नेक्स्ट हमारे पास आता है एयरक्राफ्ट कैरियर एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो लार्ज वॉरशिप डिजाइन है जो कैरी करता है लॉन्च करता है मिलिट्री एयरक्राफ्ट को ठीक है और नेवल वॉरफेयर मतलब में इसकी ऑपरेशनल बेस ये एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसके अलावा नेक्स्ट आ रहा है आपके पास मैन इज नॉट नॉट एन इकोनॉमिक एनिमल ठीक है मैन जो है वो इकोनॉमिक एनिमल नहीं है ये फ्रेज है ठीक है ये बता रहे हैं कि इंसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट नहीं होता इकोनॉमी से बल्कि साथ ही साथ पोलिटिकल सोशल और मॉरल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि कंसर्न uh, होते हैं कंसर्निंग होते हैं मैन से अरिस्टोटल जो है अरिस्टोटल एक फिलोसफर है ठीक है जाना जाता है अपनी कंट्रीब्यूशन की वजह से और ये जो सिंग्स आपने देखी कि uh, जो है इकोनॉमी से सिर्फ और सिर्फ इंसान जो है वो इन्फ्लुशियल uh इन्फ्लुएंस हासिल नहीं करता बल्कि साथ ही साथ पॉलिटिकल भी होता है और एथिकल भी होता है तो यहां पर ये अरिस्टोटल ने इस चीज पर इस कोर्ट को जो है एम्फोसाइज किया है तो ये थे इसके डिफिकल्ट टर्म्स ठीक है ये हमने समझ लिया और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं आफ्टर ओस्लो अकॉर्ड एंड फॉर ओवर थर्टी ईयर्स द वर्ल्ड डिंट टॉक अबाउट द टू स्टेट सॉल्यूशन ठीक है ओस्लो अकॉर्ड के बाद से थर्टी ईयर्स के जो है वो से लेकर अगर हम देखें तो किसी ने भी दो स्टेट जो सोल्यूशन था उसके बारे में बात नहीं की थी फलस्तीन इज बैक इन द न्यूज और फलस्तीन अब जो है वो न्यूज में वापस आ गई है आफ्टर ओसलो अकॉर्ड एंड फॉर ओवर थर्टी अबाउट टू स्टेट सोल्यूशनो अकॉर्ड के बाद से साल तक हम देख रहे थे किसी ने भी दुनिया में जो है वो दो स्टेट सोल्यूशन के बारे में बात नहीं की थी गेव अप ऑन द फलस्तियन गेव अप कर दिया था फलस्तनियन पर सम ऑफ द अरब कंट्रीज पर्टिकुलरली मूव ऑन कुछ uh, जो अरब कंट्रीज थे वो मूव uh, ऑन कर गए एंड साइन फ्रेंडशिप ट्रिटीज विद इसराइल पुटिंग द फलस्तीनियन कॉज ऑन द बैक बर्नर एज इफ देट

इसराइलीस आर गोइंग मैड आफ्टर लूजिंग सो मेनी पीपल टू हमास अटैक जो थे वो जो है वो पागल हो रहे हैं ठीक है क्यों क्योंकि उनके हमास के अटैक की वजह से बहुत सारे लोगों को उन्होंने गवाया दे एक्सपेक्ट वर्ल्ड टू सिंफिसाइज विद और वो यही तो करते हैं कि लोग जो है उनके साथ हमदर्दी करेंगे दुनिया उनके साथ हमदर्दी करेगी आफ्टर द होलोकॉस्ट दिस इज द बिगेस्ट कम्युनिटी लॉस्ट और Holocaust के बाद से ये सबसे बड़ा जो है वो कम्युनिटी था एंगर इज लाइकली टू इन्फ्लुएंस इन पॉलिसी एंड इट्स टू द हमास अटैक ठीक है एंगर uh, जो है वो इन्फ्लुएंस करता नजर आ रहा है इसराइली पॉलिसी हम देख सकते हैं उसमें और इसका रिस्पॉन्स जो है उसके रिस्पॉन्स में जो हमास अटैक हुआ है उसके रिस्पॉन्स में इसराइल ऑलरेडी किल्ड मोर फलस्तियन पीपल इन रिस्पॉन्स थ्रू इट्स एरियल बंबार्डमेंट

हैं सी है, और पॉलिसी मेकिंग ऑफ देयर ओन मॉरली अगर देखें तो इसराइली के पास जो है वो यू एस की सपोर्ट भी है ना सिर्फ यूएस की सपोर्ट है बल्कि साथ ही साथ यूरोपियंस की भी सपोर्ट हासिल है जो ना सिर्फ अपनी जो है इंडिपेंडेंट डिप्लोमेसी या पॉलिसी मेकिंग नहीं करते बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ पेरोटिंग करते हैं यूएस की ठीक है यानी कि सिर्फ और सिर्फ उनकी बोलियां बोलते हैं

इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है तो वो उससे फायदा उठाएंगे तो मेरे पास बस ये एक ही वर्ड है कि मत करें डोंट ठीक है वट द करंट मिडल ईस्टर्न क्राइसिस सो क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट इज दैट द वर्ल्ड इज नॉट यूनाइटेड तो इससे ज्यादा मजीद हम क्या एक्सप्लेन करेंगे ये जो मिडल ईस्टर्न क्राइसिस हैं इससे ज्यादा और उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं हो सकती वजाहत नहीं हो सकती क्लियरली कि दुनिया जो है वो अब उस तरीके से यूनाइटेड नहीं है मुतहिद नहीं है एज इट वॉज वेन इट सपोर्टेड द यू एस इन इट्स फाइट टू कंटेन कम्युनिज्म द कोल्ड वॉर और फाइट टेररिज्म नाइन इलेवन जिस तरह से ये उस वक्त दुनिया जो है यूनाइटेड थी जब उन्होंने यू

डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ लिबर्ट एंड इक्वेलिटी लुक्स डाउन टूर्ड्स को सोसाइटल बेस को और मजीद और लिबर्टी मजीद जो है वो लिबर्टी और इक्वेलिटी uh, के हवाले से बात करती है उसकी बेस करार देती है और जो दूसरी साइड है उसको अनहेल्दी या अनफेवरेबल देखती है नॉट रियलाइजिंग दैट द पुअर हेल्थ ऑफ द अदर साइड इज बिकॉज ऑफ देयर ओन ये रियलाइज नहीं करती जो पुअर हेल्थ है दूसरी साइड की वो उनकी अपनी रॉन्ग डूइंग की वजह से ही है इट इज देयर क्वेस्ट फॉर सुप्रियोरिटी क्वेस्ट कहते हैं जस्तजू को तो ये सिर्फ और सिर्फ उनकी सुप्रियोरिटी की डोमिनेट होने की बरतर होने की जुस्तजू है विच इग्नेट्स द इम्पल्स ऑफ वायलेंस जो मजीद

इसराइल ओवर रिएक्ट द वॉर विल बिकम ब्रॉडर एंड सप्रेड अगर यहाँ पर इसराइल ओवर रिएक्ट करता है तो जंग जो है वो मजीद ब्रॉडर हो जाएगी और फैल जाएगी इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट ये बहुत ही बदकिस्मत है दैट इसराइली वेमन एंड हमास अटैक इसराइली बच्चे और, औरतें जो है uh, साथ ही साथ सैंतालीसेंट दो, दो मिलियन पीपल जो गज़ा में मौजूद थे अंडर एटीन ईयर एज के थे देर आर ओवर वन मिलियन बेबीज इन गजा और एक मिलियन बेबीज भी थे जो गजा में मौजूद थे वो भी मारे गए विल द अरब वर्ल्ड और द इस्लामिक वर्ल्ड जो तो यहाँ पर अरब दुनिया जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो क्वाइट रही क्यों क्यों रही जबकि उन, उनके पास भी बेयारो मददगार लोगों के पास जो है वो हमास अटैक के बारे में कहने को कुछ नहीं था और आरब अंडर द कंडीशन ऑफ इसराइली सेज और वो कंडीशन में किसकी थी इसराइली सेज के यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं राइटर द इसराइलीस मे रिस्पॉन्ड दैट इट इज हमास दैट हैज दिस फेट ऑन टू द पीपल ऑफ बट वट अबाउट इयर्स ऑफ ईयर टाइर पॉलिसीज बैक्ड बाय द यूएस व्हिच मे हैव दिस करंट फेट ऑन इन द शेप ऑफ हमास अटैक तो इसराइलीस का जो रिस्पॉन्ड है वो ये कह सकते हैं कि हमास की वजह से उन्होंने ऐसा किया लेकिन फिर भी इसराइली का जो जो तशद वाला टायरानिकल जो होता है वो तशदुद को कहते हैं ठीक है थीके? जो तशद वाली उनकी पॉलिसी

और वार हुई थी 1973 की डिस्पाइट द ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑफ द अरब सम पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्टेड फॉर इजराइल एज वेल इसके अलावा की ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई अरब की इसके अंदर ठीक है लेकिन जो है कुछ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस इजराइल ने भी बर्दाश्त किए तो उसके रिजल्ट पे

कैम्प डेविड पीस एग्रीमेंट ठीक है और दूसरा political या सियासी कॉन्सिक्वेंस देखें तो ईयर्स के बाद जो है नजर आया था ये ऊपर वाला ही हमने अभी पढ़ा ठीक है तो इसमें हमने देखा इसराइल ने उसके बाद कैम्प डेविड पीस एग्रीमेंट भी साइन कर लिया था इजिप्ट के साथ फॉर द लास्ट सिक्स मंथस ऑलमोस्ट द एंटायर पॉपुलेशन इन इसराइल हैड बिन आउट ऑन स्ट्रीट डिमोस्ट्रेटिंग अगेंस्ट पी एम नेतनयाह इंट्रोडक्शन ऑफ जुडिशियल रिफॉर्मस एमड एट लिमिटिंग द पावर्स ऑफ जुडिशरी और उसके बाद जो लास्ट सिक्स मंथ से हम देखें तो ऑलमोस्ट जितनी तमाम जो पॉपुलेशन थी इसराइल में वो गलियों में निकल आई सड़कों पर निकल आई स्ट्रीट्स में निकल आई ठीक है जस्ट बिकॉज के नितन याहू ने जो इंट्रोडक्शन दिया कि जुडिशियल रिफॉर्म के जरिए से वो जो जुडिशरी की पावर है उसको लिमिट कर देगा उसके अगेंस्ट यहाँ पर लोग निकल आए पीपल इन इसराइल ओनली सरवाइविंग बाई कोबलिंग टूगेदर फॉर राइट कोलेन गवर्नमेंट ठीक है और पीपल जो थे इसराइल के उन्होंने इस चीज को अटैक समझा कंसिडर किया कि जमहूरियत पर जो है अटैक है और नितिन याहू सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव कर रहा था जो है वो उसकी फॉर राइट कोलेशन गवर्नमेंट देखे तो उस

हमाज के कैप्चर में था कैद में था उसने उनको रिलीज करें

इसराइल क्या कर सका इन द फॉग ऑफ वॉर अगर इस फॉग ऑफ वॉर में देखें तो डिसफॉर्मेशन स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर और जो डिस इंफॉर्मेशन है गलत मालूम है वो जंगल की आग की तरह फैल रही है ठीक है वट द सिचुएशन रिक्वायर्स इन सीरियस हाई लेवल बिहान दीन एफर्ट दैट मल्टी लेटर डिप्लोमेसी तो क्या सिचुएशन में क्या क्या जो है रिक्वायर है सीरियस और हाई लेवल अगर बिहाइंड देखें तो क्या एफर्ट्स की जा रही है मल्टीलेटर डिप्लोमेसी की तरफ से आफ्टर मच डेथ एंड डिस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा तबाही और अमवाद के बाद द ओनली सोल्यूशन फॉर बोथ साइड्स टू रीच वुड बी रिवावल ऑफ

एंड एंड टू दिस कॉन्फ्लिक्ट भी चाहिए कि था कि वही कंसिडर करता वो इम्पार्शियल होकर ठीक है अनबाइस होकर ग्लोबल लीडर के तौर पर इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करवाता

कुछ लोगों को जो है वो केच करके रखा जाए कैद में रखा जाए एंड अदर्स आर फ्री और बाकी सब जो है वो आजाद घूम रहे हूँ ठीक है जी एस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान अफेयर के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये और ये था इसका अनालिसिस अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज